ओके असल दिस इज एक्सरसाइज 67.2 सो आई विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर ओके सो द क्वेश्चन इज देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है बोलता है फाइंड द रैशू आपको दो पॉइंट्स है देखिए बेटा आपको दो पॉइंट देकर है ये एक लाइन है क्लियर मान लेते हैं हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं लेट्स सपोज ए ए दिस बी के कोऑर्डिनेट्स है माइनस थ्री कॉमा टेन और बी के कोऑर्डिनेट्स है सिक्स कॉमा एट ओके बोलता है यहां पे एक पॉइंट है लेट्स सपोज वो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स वहीं से देकर है वो है माइनस वन कॉमा सिक्स तो यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन आप यहां पे रेशियो निकालिए यहां पर रैशो नहीं देकर है सो so हम लिखेंगे लेट Uh, तो हम लिखेंगे लेट लेट द पॉइंट पी सो कैसे करेंगे हम लिखेंगे लेट द पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो मान लेते हैं ये इसको बेटा डिवाइड करता है इन द रेशो के इज टू वन मान लेते हैं ये के है और ये वन है सो so, के टू वन रखते हैं रेशो इसका मतलब क्या हो गया ये जो के है हमारा ये एम होगा और ये जो हमारे पास वन होगा ये हमारे पास एन होगा तो हम क्या करेंगे सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला आपको पता है मैं यहाँ पे लिख कर रखूंगा एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन तो ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है चलिए यहाँ पे एम के बदले क्या देना है के देना है और ये जो एक्स थ्री माइनस थ्री है ये आपके पास एक्स वन है ये टेन जो है ये वाई वन है ये सिक्स जो है ये आपके पास एक्स टू है और ये माइनस एट जो है ये वाई है चलिए बेटा इस हम लगाते हैं इस फॉर्मूला में देअर फॉर द कोडिनेट्स ऑफ therefore the coordinates of pr agar अगर हम dhoondenge ढूंढेंगे वो किसके बराबर होंगे देखिए m yahan यहाँ पे क्या है to तो k x2 x2 yahan pe 6 hai to k है तो k into 6, clear fir plus plus फिर प्लस, प्लस, n प्लस एन एन यहां पर वन है वन इंटू एक्स वन एक्स वन यहाँ पे माइनस थ्री है 1 into X1, X1 यहाँ पे डिवाइडेड बाय के प्लस वन एम प्लस एन है ना यहाँ पे प्लस वन ठीक है तो इसी तरह हम वाई कोऑर्डिनेट इसका ढूंढेंगे के वाई टू है माइनस एट प्लस एन एन यहाँ पे वन है इंटू वाई वन वाई वन है टेन डिवाइडेड बाय के प्लस वन ठीक है मगर ये क्वेश्चन में देकर है उधरी से कि इसके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर है माइनस वन कॉमा सिक्स तो मैं लिख सकता हूँ ये बराबर है माइनस वन कॉमा सिक्स के तो जरा देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं ये बनेगा सिक्स के प्लस माइनस माइनस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन कॉमा माइनस एट के प्लस टेन डिवाइडेड बाई के प्लस वन Is equal to 1, 6. इसका मतलब क्या हो गया मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके बाद क्या इस, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ होगा ये माइनस वन के बराबर होगा ये और ये सेम होगा होगा ना क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स है ना लास्ट में निकलता है माइनस वन और सिक्स इसका मतलब ये होगा माइनस वन के बराबर और ये बराबर होगा ये उसका सिक्स के बराबर ठीक है तो ये आपका होगा बेटा सिक्स के बराबर ये जो ये वाला है ये आपका सिक्स होगा तो चलिए बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास फिर तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस वन और सिक्स के माइनस थ्री इज इक्वल टू इसको यहां से मल्टीप्लाई करते ये बनेगा माइनस के माइनस वन और सिक्स के ये माइनस के यहाँ चढ़ाएंगे ये बनेगा प्लस के इसको ट्रांसपोज करेंगे, करेंगे ये यहां पे शिफ्ट करेंगे ये थ्री माइनस वन तो सेवन के बनेगा बराबर टू तो के किसके बराबर बनेगा टू बाई सेवन देर द रेशियो देर द द रेशियो इज देर फॉर द रेशियो इज क्या है रेशियो के इज टू वन और उसको मैं लिख सकता हूँ टू बाई सेवन इज टू वन है ना क्योंकि के निकला हमको टू बाई सेवन और द रेशो कैन बी रिटन एज टू इज टू सेवन ये सेवन मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई में किया तो इसका आंसर जो है टू इज टू सेवन इसका आंसर है जिस रेशो में p डिवाइड करता है ab को वो आपका है टू इज टू सेवन इसको आप कॉपी कीजिए बेटा when you are done please raise your hands आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं स्क्रीनशॉट उठाइए ओके okay.

लेट सपोज मैं रेशो को रखता हूं लेट अगेन अभी की तरह लेट पी डिवाइड ए बी इन द रैशो के इज टू वन लेट सपोज ये के इज टू वन रेसो में इसको डिवाइड करता है फिर क्या लिखेंगे हम देर फोर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सॉरी वाई कोऑर्डिनेट यहां पे लिखेंगे देर फॉर वाई कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी किसके बराबर है जीरो मगर अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकालूंगा बाय द सेक्शन फॉर्मूला वो किसके बराबर बनेगा के को 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 5k प्लस 1 को माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई तो 1 इंटू माइनस फाइव वो बनेगा एक्चुअली माइनस फाइव वो मैं यहीं पे लिखूंगा तो तो ये बनेगा डिवाइडेड जीरो माइनस फाइव आएगा बराबर जीरो और फाइव के आएगा बेटा बराबर फाइव के ये माइनस फाइव मैंने यहां पे ट्रांसपोज किया फाइव वन जार फाइव वन जार तो के बनेगा वन इसका मतलब रेशो को निकल गया ऑफ को निकल गया देर फोर द रैशो इन विच पी डिवाइड ए बी इज वन इज टू वन अब आपको बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिजन यानी आपको पी के कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढने हैं आसान है देर कॉर्डिनेट्स द कॉर्डिनेट्स ऑफ पी आर यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा क्यों क्योंकि क्यों के अब निकला मुझे वन वन इज टू वन जब मैंने रैशो होता है मैंने पिछली बार बोला मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं ठीक है वो क्या बोलता है वो बोलता है आपका जो एक्स कॉर्डिनेट होगा वो होगा बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू दैट मीनस वन प्लस माइनस फोर वन माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू कॉमा वाई वाई कोऑर्डिनेट तो इसका जीरो ही है तो ये किसके बराबर आएगा ये बनेगा माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो तो ये इसका आंसर है माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो इज द आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी क्या ये सबको समझ आया अगर समझ आया प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि मुझे समझ आए सभी आप रेज करी कीजिए हेंड्स अगर समझ आया और इसको कॉपी भी कीजिए आप चलिए हो गया कॉपी शयान किया कॉपी जी सर ओके ओके चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोलता है हमारे पास एक पैरलोग्राम है ठीक है देखिए बेटा मैं इसकी पहले डायग्राम बना लेता हूं तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं इसकी तो बेटा ये हमारे पास पैरलोग्राम है कुछ इस तरह से तो मान लेते हैं ये हमारे पास पैरलोग्राम है ठीक है ओके तो ये इसका ए कोऑर्डिनेट है ये इसका बी कोऑर्डिनेट है ये सी है सॉरी ये पॉइंट है ये डी है कोऑर्डिनेट्स उधरी से देखकर है ए के कोऑर्डिनेट्स है वन कॉमा टू तो ये है वन कॉमा टू बी के कोऑर्डिनेट है फोर कॉमा वाई और सी के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा सिक्स और डी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास थ्री कॉमा फाइव खालिद पूछो बेटा वालेकुम सर वालेकुम सर वो मेरे को कॉल आ गई थी मैंने पिछला सवाल कॉपी नहीं किया वो दिखा सकते हैं मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट उठाता हाँ हाँ आप इसको स्क्रीनशॉट उठाओ शुक्रिया सर <laughs> हो गया हो गया सर जी ओके okay. तो ये हमारे पास एक पैरलोग्राम है तो यहां पे ए बी सी डी क्या देकर है पैरलोग्राम अब आपको इसका ढूंढना क्या है एक्स और वाई हमें ढूंढना है एक्स किसके बराबर है और वाई किसके बराबर है देखिए बेटा ये इसको कैसे हम करेंगे सबसे पहले वी विल ज्वाइन ए एंड सी ए सी एंड बी डी तो चलिए कीजिए ज्वाइन तो बेटा ये कुछ इस तरह बनेगा ए और सी को ज्वाइन करते हैं और डी और बी को ज्वाइन करते हैं ओके okay? इसको करने के बहुत सारे मेथड्स है एक मेथड ये भी है क्योंकि ये पैरलोग्राम है आप ए बी निकालो और डी सी निकालो वो दोनों इक्वल रखो क्योंकि डिस्टेंस सेम हो गए अपोजिट आर इक्वल तो वहां से आपको वाई निकलेगा इसी तरह ए डी और बी सी को इक्वल करो वहां से आपको एक्स निकलेगा लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है ठीक है तो हम इसका आसान सा तरीका देखेंगे तो चलिए बेटा क्या करना है अब इसके बाद आपने क्या किया ज्वाइन किया देखिए वी नो हमें पता है लेट सपोज ये पॉइंट ओ है वी नो डायगोनल्स ऑफ ए पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर ये आपको पता है ना मैंने हजार बार बोला है इसका मतलब क्या हो गया जो रेशियो होगा रेशियो होगा वन इंस टू वन यहां से भी और यहां से भी वन इंस टू वन यानी डी ओ ओ बी वन होगा और ए बाईसी वन इंस टू वन होगा तो अब हम क्या करेंगे काम हम ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे देर फोर द कॉर्डिनेट्स ऑफ ओ

डिडेड बाई टू कॉमा फाइव प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू ये हो गया एक लेकिन अगर मैं A, को अब, अब consider इससे पहले मैंने बी डी को लिया था अब अगर मैं A, को भी लू वहां पर भी वन इज वन है वहाँ, वहाँ, उससे भी मुझे वो ही निकलेंगे, इसका मतलब उससे मुझे एक्स कॉर्डिनेट क्या निकलेगा वन प्लस एक्स डिड बाई टू कॉमा टू प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो बेटा इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कह सकते हैं कि ये जो थ्री प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू है ये होगा बराबर वन प्लस एक्स बाई टू एंड ये जो फाइव प्लस वाई बाई टू है ये होगा बराबर टू प्लस सिक्स इज एट बाई टू टू और टू खत्म थ्री प्लस फोर इज सेवन तो सेवन ये वन माइन यहां लेंगे तो माइनस वन इज इक्वल टू एक्स तो टू और टू खत्म हो जाएगा तो वाई क्या बनेगा एट माइनस फाइव तो बेटा एक्स यहां से बनेगा सिक्स और वाई बनेगा थ्री तो बस इतना ही करना था तो आपके पास एक्स जो है बेटा जो निकालना था वो आपके पास सिक्स आ गया और वाई जो है आपके पास वो थ्री आ गया तो ये सबको समझ आ गया नोमान आपको समझ आ गया वेरी yes, गुड और सॉल है आपको समझ आ गया ओके yes, ओके okay, okay. oh, yes, इसको उतारो बेटा इसको कॉपी कीजिए आप कॉपी इट फास्ट सर किया कॉपी ओके okay. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन है बहुत आसान क्वेश्चन है देखिए क्या है तो क्वेश्चन नंबर सेवन स्टार्ट कर लेते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है सर्किल बनाना है चलिए सर्किल बना लेते हैं तो बेटा मान लेते हैं ये हमारे पास सर्किल है ठीक है तो उसके बाद क्या काम करेंगे हमको एक डायमीटर डालना है लेट्स सपोज ये इसका डायमीटर है तो यहां पे मैं डायमीटर इसका डालता हूं ओके okay. बेटा इसका डायमीटर है लेट सपोज ये इसका पॉइंट ओ है यानी सेंटर है है इसका ये ये ओके ए बी अब क्या बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आपको ए के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको ढूंढने हैं क्या आएंगे ठीक है एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा अब वर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल सेंटर इज सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बेटा देकर है टू कॉमा माइनस थ्री और B के कोऑर्डिनेट्स देकर है वन कॉम फोर अच्छा आप मुझे बताओ नोमान आप मुझे बताइए क्योंकि ये ओ ए जो है आपको लगता है बेटा ओ ए और ओ बी बराबर होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस के बराबर है यस yes, सर तो अगर मैं निकालूंगा ओ ए बाई ओ बी मैं रैशो निकालूंगा वो किसके बराबर आएगा आर बाय आर है ना Yes, दोनों बराबर गरब आर 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 तो 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 हमको वन इज टू वन तो क्या मैं मिड पॉइंट फॉर्म लगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ हाँ सर लगा सकते हैं ठीक तो है तो हम कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे देर फोर द कॉर्डिनेट्स of O using midpoint formula is given by the coordinates of O using midpoint formula are given by are given by kaise aayega sabse pehle let's suppose A का coordinate क्या है हम x और y तो आएगा ना x plus one divided by two कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका वाई प्लस फोर डिवाइड बाई टू मगर ये उधरी से देकर है इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है टू कॉमा माइनस थ्री तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब बेटा हमारे पास ये हो गया कि हम लिख सकते हैं इसका मतलब एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होगा बराबर टू और वाई प्लस फोर डिवाइडेड किसके बराबर होगा

एंड वाई आएगा बराबर माइनस सिक्स माइनस फोर तो एक्स आएगा बराबर थ्री और वाई आएगा बराबर माइनस टेन देर फोर कॉर्डिनेट्स ऑफ देर फोर कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर क्या है कोऑर्डिनेट्स थ्री का माइनस टेन शयान ये समझ आया आपको बेटा जी सर है ना आसान आई नाइन आपको समझ आया वेर इज अफन यस सर ओके इसको कॉपी करें आप हो गया कॉपी सर ओके okay. अब जो है क्वेश्चन नंबर एट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट सर अब पिछला वाला स्लाइड और एक बार हाँ रखिए रखिए हो गया ओके okay. तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर एट की तरफ क्वेश्चन नंबर एट सबसे पहले मैं बताता चलू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर एट हाँ हमारे पास एक लाइन है ए बी चलिए इसको पहले ड्रॉ करते हैं तो बेटा ए बी हमारे पास लाइन है तो ये ए बी है क्लियर तो ये ए है और ए के कोऑर्डिनेट्स हमको देकर है माइनस टू और ये बी है और B के कोऑर्डिनेट्स हमको देकर है टू कमा माइनस फोर और हमारे पास एक पॉइंट P है लेट सपोज P यहां पे है हमको P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स आपको ढूंढने हैं ठीक है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले यहां पे और क्या देकर है यहां पे देकर है बेटा ये जो ए पी है उधरी से क्वेश्चन में देकर है कि ये बराबर है थ्री बाई सेवन ए बी के अगर मैं यहां पर यहां पे गलती नहीं कर लेना बहुत सारे बच्चे क्या कर लेंगे वो यहां पे A, A, कर लेंगे वो बोलेंगे सर यहाँ पे रैशो है थ्री 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 सेवन नहीं बेटा यहाँ पे रैशो थ्री इंस टू सेवन नहीं है क्यों आपको ए पी तो है यहां पे थ्री लेकिन ये ए पी बाई ए बी है आपको रैशो निकलना चाहिए एपी बाई पी बी क्लियर तो यहां पे गलत नहीं कर लेना तो क्या करेंगे हम काम सबसे पहले हम हमको रैशो निकालना है हमको एपी बाई पी बी निकालना है वो कैसे निकालेंगे और मैं एपी ऐसे ही रखूंगा इसको मैं थ्री बाई सेवन भी ऐसे ही रखूंगा या सेवन इसको मल्टीप्लाई में देंगे ठीक है ओके अब ए बी के बदले क्या शयान में लिख सकता हूं ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं जी सर वेरी गुड तो ये आएगा सेवन ए पी जरा मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा ये शबाश नोमान yes, हाँ क्या आएगा ये सेवन ए पी इज इक्वल टू थ्री सर थ्री ए पी फिर थ्री ए पी प्लस थ्री सर वे वेरी गुड अब इस थ्री एपी को मैं क्या करूंगा काम मैं इसको शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड से ये क्या बनेगा और सेवन ए पी माइनस थ्री ए पी इज इक्वल टू थ्री पी बी और मैं लिख सकता हूं फोर ए पी इज इक्वल टू थ्री पी बी लिख सकते हैं बेटा और मैं क्या काम करूंगा ये जो पी बी है इसको मैं यहां से लाऊंगा डिवाइड में और ये जो ये फोर यहां से मल्टीप्लाई में है इसको यहां से लाऊंगा डिवाइड में आपको नहीं लगता एपी बाई पी बी आया थ्री बाई फोर सो देर फोर ए पी इज टू पीबी किसके बराबर आएगा थ्री इज टू फोर इसका मतलब जो रेशो है बेटा वो है थ्री और फोर ये आपका एम है ये आपका एन है यहां तक क्लियर ओके okay. अब इसके बाद हम आगे चलते हैं देखिए बेटा नाउ द कॉर्ड देर फोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स वो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले एम इंटू एक्स टू दो दैट मींस थ्री इंटू टू प्लस एन इंटू एक्स वन दैट मींस फोर इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाय एम प्लस एन दैट मींस थ्री प्लस फोर कोऑर्डिनेट क्या होगा एम इंटू वाई टू दैट मीन थ्री इंटू माइनस तो इसको माइनस करते हैं यही आपका कोऑर्डिनेट्स होगा यही आपका सोल्यूशन है थ्री टूज आर सिक्स प्लस माइनस इज माइनस फोर टूजा एट डिवाइडेड बाई सेवन ये बनेगा माइनस सेवन फोर टू जट माइनस फोर थ्री ट्वेल्व सॉरी ये बनेगा माइनस एट डिवाइडेड बाई सेवन तो ये आएगा आपके पास बेटा इज तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पॉइंट पी के पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको आप कॉपी करें ये सबको समझ आया ना मुईद आपको समझाया खालिद जिब्रान आपको समझाया कॉपी कीजिए हो गया कॉपी आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं यस सर, ओके okay. अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन को मैं कैसे करूंगा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर टू था ना अगर आपको याद है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर कुछ इस तरह से था आपके पास ए बी लाइन थी फिर आपको दो पॉइंट्स इसको करते थे तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड ऐसे फिर आपको इस तुबान इस तुबान, इस तुबान, फिर आपको पी लेट सपोज अगर ये सी है और डी इसके ढूंढने थे है है ना याद है आपको अब क्वेश्चन वैसा नहीं है अब आपको है एक लाइन है उसको तीन पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं चार इक्वल हिस्सों में ठीक है तो देखिए क्या बोलता है हम पहले बनाएंगे डायग्राम ये आपके पास बेटा लाइन है ठीक है तो लेट सपोज ये ए है ए के वो देकर है माइनस टू कामा टू और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो देकर है टू कामा एट ठीक है ओके लेट सपोज यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है सी और यहां पर एक पॉइंट है लेट सपोज यहां पर है पॉइंट सी फिर पॉइंट डी और फिर पॉइंट ई देखिए अब चार इक्वल हिस्से हो गए ना वन इज टू वन इज टू वन इज टू वन चार इक्वल हिस्से इसी का मतलब हो गया वन इज टू वन इज टू वन इज टू वन चार इक्वल हिस्से सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा जरा आप मुझे बताइए वॉट इज ए डी बाई डी बी शाबाश ए डी ए डी किसके बराबर आएगा वन प्लस वन बी डी बी आएगा वन प्लस टू खत्म तो ये बनेगा वन इज टू वन सो देर फोर ए डी इज टू डी बी किसके बराबर आएगा वन इज टू वन तो इसका मतलब अगर मैंने ये सारा लिया ये ए डी मैंने सारा लिया ये ए डी जब मैंने सारा लिया ये वन आया और डी बी जब मैंने सारा लिया तो ये क्या आया वन तो क्या मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी मैं डी के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं देयर फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स माइनस टू प्लस टू डिवाइडेड बाई टू कॉमा टू प्लस एट डिवाइडेड बाई टू तो बेटा ये आ जाएगा जीरो कॉमा टू प्लस एट इज टेन टेन डिड इज फाइव तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकले जीरो कॉमा फाइव अब देखिए यहां से नाउ नोमान no जरा आप मुझे बताइए बेटा अगर मैं करूंगा ए सी बाई सी डी आपको लगता है वो आएगा वन इज वन इज वेरी गुड इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए सी इज टू सी डी आएगा बराबर वन इज टू वन

तो आंसर आएगा माइनस वन कॉमा सेवन बाई टू अब कौन बच गया ई e. देखिए क्या मैं लिख सकता हूं नाउ देखिए बेटा डी ई बाई बाई इसको भी लिख सकते हैं ना वन इज टू वन देअ फोर डी ई इज टू ई बी ये भी आएगा वन इज टू वन तो निकालिए कोऑर्डिनेट देर फोर द कॉर्डिनेट ऑफ आर e क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स वो यहां पे लिखेंगे जीरो प्लस टू डिडेड बाई टू कौ फाइव प्लस एट डिडेड बाई टू तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे टू बाई टू दैट इज वन एंड एट प्लस एव इज थर्टीन बाई टू आई होप कि ये क्लियर हो ये सबको समझ आया ये कौन सी फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला देखिए मिड पॉइंट फार्मूला का कितना यूज हमने किया इसको आप स्क्रीनशॉट उठाइए कॉपी कीजिए इसको हो गया कॉपी यस सर ओके अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टेन फाइंड द एरिया ऑफ रोमबस सबसे पहले मैं रोमबस बना लेता हूं तो चलिए बेटा यहां से मैं रोमबस बनाता हूं तो ये कुछ इस तरह है रोमबस ओके okay. तो मान लेते हैं ये आपका रोमबस है लेट्स सपोज ए ये है ये बी है बेटा ये सी है और ये डी है कोऑर्डिनेट सबके देकर है ये बराबर है थ्री कॉमा जीरो बी कोऑर्डिनेट है आपके पास फोर का फाइव सी के कोऑर्डिनेट्स है माइनस वन कामा फोर और डी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास माइनस टू का माइनस वन ओके तो आपको क्या निकालना है आपको निकालना है एरिया ऑफ द रोम्बस ये तो आसान है एरिया ऑफ रोम्बस देखिए इसने फॉर्मुला भी उधरी से लिखा है एरिया ऑफ रोम्बस होता है बराबर हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट इस डायगनल इसका मतलब हम सबसे पहले डायगनल्स को ज्वाइन करेंगे तो कीजिए बेटा डायगनल्स को ज्वाइन सबसे पहले ए सी है और ये बी डी है तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हम करेंगे चलिए बेटा बताइए मुझे ए सी किसके बराबर होगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ शाबाश माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर माइनस जीरो का स्क्वायर तो ये आएगा बराबर माइनस वन माइनस थ्री आएगा माइनस फोर माइनस फोर का स्क्वायर आएगा सिक्सटीन प्लस फोर माइनस जीरो का स्क्र भी आएगा सिक्सटीन फोर सिक्सटीन तो ये बनेगा रूट ऑफ थर्टी टू ए सी तो ए सी को मैं लिख सकता हूं बेटा अंडर रूट ऑफ सिक्सटीन इंटू टू वो भी आएगा ना थर्टी टू तो ए सी किसके बराबर आएगा सिक्सटीन को रूट से बाहर तो फोर रूट टू यूनिट्स आएगा अब निकालिए बी डी तो बेटा बी डी किसके बराबर आएगा बी डी आएगा, आएगा आपके पास माइनस टू माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस फाइव का स्क्वायर तो ये आएगा आपके पास माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर तो ये बनेगा आपके पास बेटा थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स तो वो बनेगा आपके पास रूट ऑफ सेवेंटी टू इसको मैं लिख सकता हूं थर्टी सिक्स इंटू टू हाँ लिख सकते हैं तो इसको अगर थर्टी सिक्स बाहर निकालिए रूट से तो वो बनेगा सिक्स रूट टू यूनिट्स अब देखिए वी नो आपको लिखना है वी नो एरिया ऑफ रोमबस आपको हमेशा याद रखना है एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है बेटा ये होता है बराबर हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट इज डायगनल्स हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स तो वह का बराबर हाफ ऑफ डायगनल्स क्या है यहां पे ए सी इंटू बी डी तो बेटा मैंने ए सी भी निकाला किसके बराबर है फोर रू टू बी डी सिक्स रू टू टू वन जार टू टू जार क्लियर उसके बाद रू टू सिक्स जार ट्वेल्व ट्वेल्व रू टू इंटू रू टू आएगा टू तो ट्वेल्व टू जार ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर यूनिट्स इसका आंसर होगा तो ये हमारे पास एक्सरसाइज खत्म हो गई तो अगले लेक्चर में हम और मिलते हैं ठीक है हम इसके बाद एरिया ऑफ ट्रेंगल्स पढ़ते हैं तो आज के लिए yes. काफी है ठीक है